कर रहा हूं। एक एक हाथ चौथे मिसरे के लिए तैयार रहे इमरान का साथ देने के लिए, कि कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है तुम्हार के अश्कों का सैलाब साहेब, है तुम्हार के अश्कों का सैलाब साहेब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। क्यों उजड़ सा गया है गुलिस्ता वतन का, जुल्म से पहले भी था, जाति से पहले की हुकूमतों में भी थी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पर उतर आई है ये इससे पहले नहीं थी। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है। वक्त की नब्ज को समझो बिहार वालों, एकजुट हो जाओ, एक पैराए पर खड़े हो जाओ, अपने मसलकी इख्तलाफात घरों में महदूद कर दो, सड़कों पर एक नजर आओ, वरना बहुत बुरे हालात आने जा रहे हैं। मेरी इस बात को बहुत संजीदगी से याद करता, तुम बर्मा की तस्वीरें देखते हो तो तकलीफ होती है ना, उसके वीडियोस देखते हो तो खाना गले के नीचे नहीं उतरता। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बताऊं कि उससे ज्यादा खतरनाक मंसूबा तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है। सुधर जाओ, संभल जाओ, क्योंकि बहुत खतरनाक मंसूबा है। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं, वक्त की नब्ज को समझो, जो वक्त की नब्ज को नहीं समझते वक्त तुमसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था वो वक्त को नहीं समझ सके, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। याद रखना मेरी इस बात को बिहार वालों के, इमरान कुछ कह के गया कि उजड़ सा गया है गुलिस्ता वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। नज़्म खत्म हो चुकी है, आप ताली बजा सकते हैं। मुबारकबाद बिहार को।